आज की वीडियो में हम करेंगे डिजाइनर रेक्टेंगुलर बीम। ये है हमारा आईएस कोड IS 456 2000। ये उसका टॉपिक है डिजाइनर रेक्टेंगुलर बीम। हमें पेपर में मोस्टली जब हम आईएस कोड्स वाला हमारा सब्जेक्ट आया था, जैसे डिजाइनर कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे देखा जाने वाला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि डिजाइनर रेक्टेंगुलर बीम, कि हमें रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन करना है। उसमें हमें क्या डिजाइन करना होता है, जैसे कि समझो ये एक मैं क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाता हूँ, जैसे ये होता है। तो हमें हमें इसमें डिजाइन क्या करना होता है कि इसमें नंबर ऑफ स्टील बार्स कितने डलेंगे, ठीक है ना, इसमें इसकी डी कितनी होगी, ये डेप्थ कितनी होगी, ये ब्रेथ कितनी होगी, है ना। हमें ये सारा कुछ एज्यूम करना होता है, एज्यूम करके हमारा ये सब निकलता है। ये हम डी बता देंगे हम क्या होता है। इसमें डिजाइनर रेक्टेंगुलर बीम में ये चीजें करनी होती है। तो इसमें आपको कोड की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा अनेक्सर जी है। ये मैंने अपने आपको पहले वाली वीडियो में भी दिखा रखा है कि कैसे हम यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इसका भी यूज पड़ेगा, अनेक्सर जी का, और एक टेबल का भी यूज पड़ेगा, जो कि हमारा टेबल है लिमिट स्टेट मेथड में आता है, हमारा कोलैप्स में लिमिट स्टेट मेथड में आता है। ये वाला टेबल आप देख सकते हैं, ये वाला टेबल, और ये पेज नंबर 70 पर होगा। आपके सबके कोड के पेज नंबर सेम ही होते हैं, तभी तो हमें 70 पे होगा। थोड़ा सा इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और हमारा जो जो हमारे फॉर्मूलाज हम उठाएंगे वो हम ये वाले उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको ना पहले समझाता हूँ कि हमें रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो अभी हम एक क्वेश्चन शुरू कर पाएंगे अगर आपको पता होगा कि हमें निकालना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना होता है डायमेंशंस। ये सब एज्यूम का होता है, सब हम एजम्पशंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप होता है हमारा डायमेंशन, उसमें हमारी क्या निकलती है, ब्रेथ और डी डेप्थ, हमारी एजम्पशंस पे चलते हैं। इसके लिए एक थंब रूल होता है, हर टीचर का अलग अलग थंब रूल होता है, लेकिन जो मेरा थंब रूल है वो अलग है। तो आप वही थंब रूल अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, या फिर आपके कोई टीचर ने आपको बताया तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। वो जो थंब रूल है मैं वो आपको, चलो क्वेश्चन जब हमारा सॉल्व, चलो अभी बता देता हूँ कि वो थंब रूल क्या है मेरा। जैसे समझो हमें कोई लेंथ दी हुई है बीम की, जैसे ये एक ऐसे बीम की ऐसे ना लेंथ दी हुई है, तो हमें ये सबसे पहले हम डी निकालने के लिए हमारा मेरा क्या थंब रूल है कि हम एल बाय डी इज इक्वल टू 10। बस ये मेरे एक थंब रूल है, ये सारी अजम्पशंस पे चलता है, ये मेरे एक थंब रूल है। और अगर आप एक क्वेश्चन में एक ही थंब रूल यूज करना है, यानी कि ए डी निकालने के लिए आपने ये थंब रूल यूज कर लिया, बी निकालने के लिए कोई और थंब रूल, मतलब करोगे तो एक साथ ही करना। तो जैसे कि एक बीम हो गया, तो उसके लिए हमें अगर लेंथ दी हुई है, हमें वैसे मोस्टली लेंथ ही दी होती है जब भी हम डिजाइनर रेक्टेंगुलर बीम करते हैं, तो हमें लेंथ दी होती है, तो हम डी इससे निकालेंगे। सारे एग्जम्पशन मैं आपको पहले बता दूं, ये कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। तो अब हमें डी निकल गया, अब हमें ब्रैकेट का भी बी का भी होगा वही, तो बी का हमारा होता है डी इज इक्वल टू 1.5 बी। ये हमारा बी निकालने के लिए होता है, बी ए आ जाए ना 1.5 नीचे चलाएगा। तो ये जो दो थंब रूल थे, मैं ये दो यूज करूंगा थंब रूल हमारे डायमेंशन निकालने के लिए। ये सबसे हमारा पहला स्टेप होता है, और ये थंब रूल सारे अजम्पशंस पर है, मैं आपको फिर बता दूं। और ध्यान से ये याद करना पड़ेंगे आपको, सिर्फ एक ही चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ये थंब रूल बस। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, हमें सेकेंड स्टेप में हमें फैक्टर्ड लोड निकालना होता है। फैक्टर्ड लोड क्या होता है हमारा, फैक्टर्ड लोड में हमारा होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। आपको लाइव कभी फैक्टर्ड लोड भी दिया जा सकता है, या फिर लाइव लोड दिया होगा। डेड लोड क्या होता है, जो सिंपल बीम का खुद का लोड होता है, और लाइव लोड आपको दे भी सकते हैं, नहीं तो फिर आपको पूरा फैक्टर्ड लोड देंगे, लेकिन एक चीज तो आपको इसमें से गिवन होगी। तब जब हमारे दो स्टेप्स हो गए, तो हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, हमारा होता है इफेक्टिव स्पैन लेंथ निकाल देते हैं, हम इफेक्टिव लेंथ निकाल देते हैं एक तरह की, हम थोड़ा लेमैन में बोले इफेक्टिव लेंथ निकाल देते हैं। तो ये इफेक्टिव स्पैन लेंथ निकालते हैं थर्ड स्टेप में। इफेक्टिव स्पैन लेंथ क्या होती है, जैसे कि समझो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे सब कुछ बारी बारी समझाऊंगा। जैसे कि ये कॉलम्स है और ये ऐसे बीम है, ठीक है ना, ऐसे होता है सारा स्ट्रक्चर। तो अब जो एक तो ये जो हमें होती है, तो लेंथ होती है, चलो ये हमारी सिंपल लेंथ है, जैसे लेट ये 2 मीटर हमारी सिंपल लेंथ है।
जो इफेक्टिव होती है ना वो इस कॉलम की बीच में से सीजी से और इस कॉलम की बीच में से ये मेजर होती है, ये जो चीज हमारी मेजर होती है ना ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक, इसे हम इफेक्टिव लेंथ कह देते हैं, इफेक्टिव स्पैन लेंथ। तो ये होती है हमारी इफेक्टिव स्पैन लेंथ। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ, क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इफेक्टिव लेंथ हमारी ऐसे निकलती है, इफेक्टिव स्पैन लेंथ ये मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारी होती है, जो हमें ये सब मैं IS कोड के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ आपको, कोई भी मेरे अपने मतलब से नहीं है। तो ये जो भी कॉलम है ना, तो ये होती है, ये लेंथ होती है, तो ये इफेक्टिव स्पैन लेंथ होती है। और जो इस डिस्टेंस को ना हम वैसे तो बोल देते हैं बेयरिंग, हम इसको ये नहीं बोले हैं कि ये कॉलम इतना चौड़ा है, इसको हम वैसे लेट बेयरिंग बोलते होते हैं, इसे हम बेयरिंग बोल देते होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी आपको थोड़ा कम समझ आएगा। तो अब ये तीनों स्टेप हो गए ना, तो इसके बाद हमें चौथा क्या निकालना होता है, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट मैक्स निकालते हैं हम, यू होता है जो हमारा, बेंडिंग मोमेंट मैक्स निकालना होता है हमारा। तो ये वही है जो हम यहाँ पे IS कोड में भी आप देख सकते हैं, ये जो हम चीज निकालते हैं ये देखो MU, ये वो MU मैं निकालता हूँ, और इसके साथ हम इक्वेट करके निकालते होते हैं बाकी वैल्यू। तो ये मैं आपको बाद में क्वेश्चन में बताता रहूंगा। तो ये चीज होगी, ये आपका एक स्टेप खत्म हो गया, आपने आता डिजाइन कर लिया, आपने इतने में पता है क्या डिजाइन करा, बी और डी, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर बीम का ब्रेड और डेप्थ क्या होती है कवर से ऊपर ऊपर तक की, टोटल डेप्थ नहीं कहला ये डी डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, ये आपने इतना तो इस इतने चार स्टेप्स में ये फाइंड कर लिया। अब जो हमारा अगला स्टेप है उसमें हमें क्या निकालना होता है, उसमें हमें निकालना होता है, देखो फिफ्थ स्टेप ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, हमें निकालना होता है नंबर ऑफ स्टील बार्स। अब यही चीज रह गई थी, अब हमने ये भी निकाली, ये भी निकाली, अब नंबर ऑफ स्टील बार्स रहती है और क्या क्या डायमीटर की होगी, ये हमें निकालना होता है। अब यही लास्ट हमारा पार्ट रहता है नंबर ऑफ स्टील बार्स। अब इसे निकालने के लिए हमें पता है क्या करना होता है, तो इसके भी दो तीन स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, एरिया ऑफ टोटल स्टील मतलब ये पूरा स्टील जो हमारा यूज हुआ है, ठीक है ना, ये पहला स्टेप होता है हमारा एरिया ऑफ टोटल स्टील। तो अब सेकंड, उसके बाद हम क्या निकालते होते हैं, एरिया ऑफ वन स्टील बार। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें थर्ड में क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बार मिल जाएंगे ना। तो ये हमारा ये स्टेप होता है नंबर ऑफ स्टील बार निकालने के लिए, एरिया ऑफ टोटल स्टील निकाला, फिर एरिया ऑफ वन स्टील बार निकाला, दोनों के डिवाइड करा, तो नंबर ऑफ बार हमें पता चल जाएगा कि हमें स्टील बार्स कितने डालने हैं। तो ये था हमारे डिजाइनर रेक्टेंगुलर बीम करने के लिए स्टेप्स। इससे हमें पहले चार स्टेप से हमें पता चलेगा कि बी और डी क्या निकलेगा, और जो हमारा लास्ट स्टेप होता है फिफ्थ में, इसके सब तीन पार्ट्स होते हैं ये चीजें, और ये सब कोड से निकलेंगे। तो इससे हमें क्या निकलेगा, हमें ये निकलेंगे। तो इससे हमारा एक रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन है, रेक्टेंगुलर बीम हमारा खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चन, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये कैसे सॉल्व होगा आगे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम हैविंग लेंथ 3 मीटर एंड द लाइव लोड इज 6 kN/m, यूज M20 ग्रेड हो गया, Fe415 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो ये हमारा हमें दे दिया, ये बस ये इतनी चीजें गिवन होती है, अब आपको वो सर इससे तो हम क्या ही निकाल लें। तो मैं आपको एक एक चीज करके सब बताऊंगा क्या क्या निकलेगा। अब अगर मैं आपको एक वैसे ही रफ डायग्राम बना दें हम, तो ये कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन बनेगा, ठीक है ना। अब हमें मैंने आपको समझाया था सारे स्टेप्स ना कि कैसे क्या चीज होगी। तो सबसे पहले डायमेंशन निकलती है, तो डायमेंशन निकलने के लिए हमारा ये एक थंब रूल होता है। तो पहले हम सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम बता दें कि यहाँ पे हम बी लिखे थे, ये हमारा बी होता है ना पूरा, ये हमारा डी होता है यहाँ तक, ये हमें स्टील बार नहीं, चलो लेट हम ऐसी करें, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि डी यहाँ तक होता है, ये हमारा कवर होता है कवर डिस्टेंस, और ये हमारा टोटल डी होता है, ठीक है ना, ये आपको पता है। अब हम बी और डी निकालेंगे, तो हम सॉल्यूशन आंसर लिखने से पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एल हमें एल गिवन है 3 मीटर, लेंथ हमें ये गिवन है, हमें ये लाइव लोड भी दिया हुआ है, एल लिख लेते हैं हम, लाइव लोड 6 kN
पर मीटर। मैंने आपको कहा था कि ये दो चीजें तो आपको गिवन होंगी होंगी, या तो लाइव लोड या तो फैक्टर लोड सीधा। तो अब हमें निकालने हैं डायमेंशन, सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप। तो हम ये थंब रूल यूज करेंगे। हमारा थंब रूल क्या होता है, एल बाई डी इज इक्वल टू 10, और उसके बाद क्या होता है, डी इज इक्वल टू 1.5 बी ब्रेथ। तो अब हम डेप्थ निकालने के लिए सबसे पहले यहां से ये डालते हैं। तो एल हमारा, अगर मैं आपको सीधा एल यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं, हम एमएम में निकालेंगे, ठीक है ना। बी और डी हम एमएम में निकालेंगे। तो हमारा इसको सॉल्व करते ही हमारा पता है क्या आ जाएगा, डी हमारा आ जाएगा 300 mm, और बी हमारा अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा बी आ जाता है 200 mm, ठीक है ना। ये आप सॉल्व, तो वैसे भी ये लेम है नहीं है कि आप सिंपली मन में भी कर लोगे तो आप समझ जाओगे। जैसे डी ए है तो डी ए 10 नीचे आया 3 मीटर, 3 मीटर में एमएम कितना हो गया, 3000 mm हो गया, डिवाइड बाय 10 करा 300 मीटर हो गया, ठीक है। 300 मीटर हमने यहाँ पुट करा, डिवाइड बाय 1.5 होगा, 15 यहाँ रखते हम 10 ऊपर लेके जाते हैं, ये कितना हो गया 3 से 5, 5 से 2, ये 200 mm हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे निकला। अब हमारा अगला क्या चीज है, हमारा डायमेंशन निकल गई बी और डी से, है ना। ये सिर्फ अजम्पशन हुई है, ये सिर्फ अजम्पटेड है, हमें प्रूफ भी करना है कि हमने जो अजम्पशन लिया वो सही है गलत है। तो ये हमारी अजम्पशन होगी, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं। बी हमारा 200 मीटर आया एमएम सॉरी, और डी हमारा कितना आया 300 mm आ गया, ठीक है। ये चीजें हमने लिख दी। अब हमें अगला स्टेप हमारा फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड होता है हमारा डेड लोड प्लस लाइव लोड। अब हम ये फर्स्ट स्टेप ऐसे कर देता हूँ मैं। अब सेकंड चीज हमारी होती है फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड निकालने के लिए हमारा होता है लाइव लोड प्लस डेड लोड। हमें लाइव लोड तो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 6 kN/m। अब हमें निकालना है डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट कैसे निकलता है, मैं सेल्फ वेट यहाँ आपको साइड में भी दिखाता हूँ। देखो सेल्फ वेट हमारा कैसे निकलता है, हमारा होता है एक तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। डेंसिटी हमारा यहाँ मटेरियल क्या है, कंक्रीट, आरसीसी ले लेते हैं हम, क्योंकि हमारा स्टील भी डल है, आरसीसी, डेंसिटी ऑफ आरसीसी इंटू बी इंटू डी, हमारा ये सेल्फ वेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया रिलेटिव डेंसिटी इंटू बी इंटू डी। बी भी हमें अजम्पशन से निकाल लिया था, डी भी हमने निकाले थे अजम्पशन से। डेंसिटी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको याद करनी पड़ेगी। आरसीसी की डेंसिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। आरसीसी यहाँ लिखा तो बड़ा बड़ा करके रेड पेन से, आरसीसी की हमारी डेंसिटी होती है 25 kN/m³। ये हमारी आरसीसी की होती है, अलग तरह तरह की भी होती है, लेकिन आरसीसी हम टॉपिक ही आरसीसी का कर रहे हैं तो एक ही याद करनी पड़ेगी। तो 25 kN/m³ हमारी डेंसिटी होती है। तो सेल्फ वेट कितना है, सेल्फ वेट ही हमारा क्या होता है, डेड लोड होता है। तो अगर हम यहां से डेड लोड निकाल लें 25 इंटू बी कितना है, ये 200 mm है, हम मीटर में लेके चलेंगे क्योंकि ये भी मीटर क्यूब में है। तो मीटर में हम लेके चले तो 0.2 और ये 0.3 हो गया, ये 0.3, ठीक है ना। डी निकालना था ना, 0.3 हो गया। तो अब हम करेंगे आगे, इसको सॉल्व करा अगर हमने तो कितना आ जाएगा हमारा 1.75 kN/m डेड लोड हमारा ये आ गया। अब अगर शायद मेरी भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स हो सकती है, तो मैंने तो ऐसे ही फटाफट कर दिया है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना। अगर गलत भी निकली तो एक कमेंट्स में ये मत लिखना कि गलत आ गई, तो आप खुद भी देखते हैं, मुझसे भी गलती हो सकती है कैलकुलेशन में। तो डेड लोड आ गया हमारा, लाइव लोड हमें पता है, तो फैक्ट्री लोड क्या आ गया, लाइव लोड हमारा क्या है 6 प्लस 1.75। अब फैक्टर्ड लोड हमारा क्या आ गया, हमारा फैक्टर्ड लोड आ जाता है हमारा 11. हमारा नहीं सॉरी, फैक्टर्ड लोड बाद में होता है, पहले हमारा ये आ जाएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड हमारा कितना आ जाता है 6 प्लस 1.75 हो गया हमारा 7.75 kN/m, है ना। अभी हमारा हो गया ना, अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टर्ड लोड हम पूरा अच्छे से कैसे निकलता है। ये तो 7.75 हो गया। अब आपको अगर आईएस कोड आपने पढ़ा हो तो मतलब ये इसमें
मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये, अगर ये वाला जो हमारा लोड था, तो ये वाला हमने करा था ना assumption जो हमारी ली थी, इसमें assumption होती है हमारी 1.15 की, ये रहा वो मैं आपको दिखा देता हूँ 1.15, ये देखो फॉर डिजाइन, अगर आपको दिख रहा है फॉर, ये तो आप अपने में देख सकते हो, फॉर डिजाइन पर्पज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इक्वल टू 1.15 शैल बी अप्लाइड। तो assumption में हमें पहले दिया हुआ है, IAS कोड आपको आपके सामने रखे होते हैं, आपको देखना है अच्छे से कि कैसे क्या यूज होता है। तो 1.15 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 7.75, तो ये हमारा एक्चुअल फैक्टर लोड आएगा हमारा, ये YM जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये था, ये assumption में आप देख सकते हैं, ई assumption है हमारी पे नंबर 69 पर। तो अब आप देख सकते हैं कि 1.15 हमें लेना है इनटू में, तो फैक्टर लोड पूरा हम क्या निकल जाएगा 7.75 इनटू 1.15 किलोन्यूटन पर मीटर। तो फैक्टर लोड हमारा कितना आ गया 11.625, हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं 12 किलोन्यूटन पर मीटर पर, ये भी आ गया हमारा फैक्टर लोड भी आ गया। फैक्टर लोड इज इक्वल टू हमारा कितना निकलता है W, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू W भी है ये फैक्टर लोड को, हम चलो W से डोनेट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे यूज आएगा ये फैक्टर लोड का। तो ये हो गया, ये भी निकल गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, हमारा थर्ड स्टेप था इफेक्टिव स्पैन लेंथ, हमारा डायमेंशन भी निकल गया, फैक्टर लोड भी निकल गया, मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ 1.15 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अगर मैंने आपको सॉरी बताना भूल गया पहले, तो फैक्टर लोड हमेशा 1.15 से ही मल्टीप्लाई होता है, IAS कोड में दिया हुआ, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करा, मैंने आपको दिखा दिया। तो अब इफेक्टिव स्पैन लेंथ निकलेगी, अब इफेक्टिव स्पैन लेंथ कैसे निकलती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। इफेक्टिव स्पैन लेंथ है ना थर्ड स्टेप हमारा आता है, इफेक्टिव स्पैन लेंथ मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो अब अगर तो मैं आपको ये देखो, अब मैं साइड में आपको समझाता हूँ अच्छे से ना, डायग्राम बड़ा बड़ा बनाते हैं, पहले तो आपको छोटा सा डायग्राम समझाया था, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे अगर आपको दिख रहा है ना, तो ये ऐसे, और ये हमने ऐसे बीम यहाँ बनाया, और ये हमारा ये ऐसे बन गया ना पूरा, ये ऐसे ले लेते थोड़ा, ये चीज हमारी ऐसे होगी, ये पूरा ये वैसे ऐसे ऊपर से जाता है, तो ये जहां भी जाता है ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ये हमारा एक बन गया, ठीक है, ये कॉलम्स और ये हमारा बीम, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बीम हैवी लेंथ 3 मीटर। तो अब आप सोचोगे सर 3 मीटर तो ना हमारी ना यहाँ से यहाँ तक की है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक की नहीं, 3 मीटर हमारी पता कितनी है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, इसे सिंपली लेंथ बोलते हैं, लेंथ होगा बीम। अब हमें निकालना इफेक्टिव स्पैन लेंथ। अब इफेक्टिव स्पैन लेंथ के लिए पहले तो मैं आपको बताऊं, इसे हम बोल देते हैं क्लियर स्पैन, इस लेंथ को हम बोल देते हैं क्लियर स्पैन, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था पहले स्टेप था, तो है कि हम इसका सीजी लेते हैं, मतलब सेंटर लेते होते हैं, सेंटर लिया ना, तो ये पूरा यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस टोटल होएगा यहाँ से, मतलब ये जितना भी कॉलम का डिस्टेंस है उसका हम हाफ एक इस तरफ से जोड़ेंगे, इस तरफ से हाफ जोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि कॉलम की ये वाली लेंथ टोटल और ये भी सेम होएगी, नहीं ये भी अलग से हो सकती है, तो हम उसका हाफ ले लेते हैं, बस ऐसे हमें अजम्पशंस चल रही हैं ये, तो हम ऐसे ही चलते हैं स्टेप। तो इससे हम क्या बोलते हैं, बेरिंग बोलते हैं हम इस चीज को, हम जो इसकी कॉलम की लेंथ को हम कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं उसे हम बेरिंग बोलते हैं, बहुत चीजों को भी बेरिंग बोलते हैं हम, उसमें सर्वेइंग में भी बेरिंग उसको बोल देते हैं जब हम एंगल्स वगैरह निकालते हैं। तो अब इसमें भी हमें ना लेट करना होता है। अब देखो हमें 3 मीटर ये तो दिया हुआ, हमें इसकी बेरिंग्स नहीं दी हुई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट बेरिंग विड्थ, बेरिंग विड्थ बी 300 mm ले लेते हैं, ठीक है ना, 300 mm। कुछ सोच के लेना, ये नहीं कि अगर यहाँ पे 3 मीटर, अब हम आपको ये 100 mm ले लो, कोई बात नहीं बनेगी कि 3 मीटर का आपका इतना, ये थोड़ा सा बस 100 mm का है, तो थोड़ा समझ के लेना होता है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ आप स्टैंडर्ड 300 मीटर लो, ये तो 300 या 350 और बस यहीं तक रहना, मतलब 300 से 350 तक ये स्टैंडर्ड है, ये कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे आप 150 ले लो, कोई 500 ले लो, तो वो कोई बात बनेगी नहीं। तो ये था, तो अब इफेक्टिव
अब हम यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ का ना निकालते हैं, इफेक्टिव स्पैन लेंथ के लिए। अब फॉर्मूला क्या होता है देखो, क्लियर स्पैन प्लस, ठीक है ना, क्लियर स्पैन प्लस ये बी बाय टू, ये वाला बी बाय टू प्लस इधर वाला बी बाय टू, बी बाय टू ये हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है, ठीक है ना। तो अब ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया इफेक्टिव लेंथ का, तो ये आपको याद तो क्या ही करना है, तो वैसे ही आपको बस एक बार पढ़ लिया चलो हो गया, तो ये हो गया। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है हमें लेंथ निकालने के लिए इफेक्टिव। तो क्लियर स्पैन, अब मैंने आपको बताया था क्लियर स्पैन बोल देते हम इसे, तो ये 3 मीटर हो गया प्लस बी बाय टू 300 mm है, तो इसे हम मीटर में लेके चलेंगे 0.3/2 प्लस 0.3/2, हमारा एल इफेक्टिव कितना हो गया, मतलब इफेक्टिव लेंथ हमारा कितना हो गया यहाँ पे 3.3 मीटर, ठीक है ना। ये आपको समझ आ रहा है ना, अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आप दोबारा से देख लिए, क्योंकि मुझे तो वीडियो में जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, नहीं तो आप दोबारा दोबारा वीडियो देख के आराम से समझ सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे चीजें करी हैं, और मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, इससे इजीली कोई आपको ये चीजें नहीं समझा सकता। तो अब ये हो गया, अब मैंने आपको 4 स्टेप क्या बोला था, हम सब कुछ स्टेप वाइज चल रहे हैं ना, तो मैंने आपको 4 स्टेप क्या बोला था, बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे हम, यू बेंडिंग मूवमेंट में हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें होती है, अब इसका फॉर्मूला अगर मैं यही आपको लिखूं तो आपको पता ही है WL²/8, ठीक है ना, हम ये स्टैंडर्ड लेके चल रहे WL²/8, ये बेंडिंग मूवमेंट होती है हमारी मैक्स। तो हम अब ये यहीं पे ये 4 स्टेप करते हैं, BM म्यू इज इक्वल टू WL²/8। अब आप बोलोगे सर हमने वैल्यूज कहां से निकाली, अब हमने वैल्यू कहां है सर, W की कहां है, L की कहां है, अब बताता हूं आपको। W मैंने इसको तभी डोनेट करा था क्योंकि ये हमें यूज होना था, तो W तो हमारा हमने खुद निकाला था ना फैक्टर लोड, तो हमारा W कितना आ गया 12 × L, L इफेक्टिव लेना है यहाँ पे, तो अभी हमें L इफेक्टिव निकालना है, तो हमारा कोई काम ही नहीं L इफेक्टिव का, तो इसलिए हमने निकाला है L इफेक्टिव। L इफेक्टिव का मतलब होता है कि बेंडिंग मूवमेंट ना, मैं आपको अगर ना इफेक्टिव लेंथ की अगर आपको डेफिनेशन दूं, वैसे एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है अगर हम कोड से हट के पढ़ें, तो जैसे कि ये ऐसे बीम है ना, छोटा सा बनाता हूँ मैं, तो ये ऐसे बीम है, ठीक है ना, ये बीम हो गया, ये कॉलम, जो तो जब समझो अगर हमने यहाँ पे लोड अप्लाइड करा, तो जो ना यहाँ से ये हमेशा ना यहाँ से ये चीज होती है, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज ऐसे हो जाएगी। तो अब देखोगे कि तो यहाँ से शुरू होता है हमारा लगना, बेंडिंग मूवमेंट यहाँ से शुरू होती है, जो हमारा बेंड हुआ है ये यहाँ से शुरू होता है, तो इसीलिए जो यहाँ से यहाँ होता है ना इफेक्टिव लेंथ कहलाता है, कि मतलब यहाँ से इफेक्ट अप्लाइड होना शुरू होता है, मतलब इस लेंथ तक अप्लाइड होता है लेंथ लोड। तो अब 12 × 3.3 × 3.3, ठीक है ना, 12/8, अभी कितना आ जाएगा, मैंने कैलकुलेटर तो करके रखा हुआ है, फिर भी आप एक बार अपने कैलकुलेटर से जरूर करके देखें, शायद मेरा भी गलत हो सकता है, किलो न्यूटन मीटर, ये चीजें तो हमारी निकल गई है ना, वो सॉरी 8 पे चला गया, तो ये चीजें तो हमारी निकल गई। तो अब मैंने क्या बोला था कि अब फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा, तो फिफ्थ स्टेप हमारा आता है नंबर ऑफ स्टील बार्स, लेकिन इससे पहले जो हमारा है इसके बीच में भी अभी अभी बहुत कुछ रहता है, तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पे नहीं समझाया था, क्योंकि ये तो सिर्फ फटाफट बताना था कि क्या क्या स्टेप्स हमने यूज करने हैं। तो इसमें हमें क्या नहीं, ये हमें किस लिए यूज होता है, हमें अजम्पशंस को अपनी देखने के लिए, अजम्पशंस सही है या गलत है वो देखने के लिए होता है हमारा ये वाला स्टेप, तो वही मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। तो अब अगर हम दोबारा से IS कोर्स पर जाएं, तो अगर आप देखोगे तो मैंने ये MU निकाला है, ठीक है ना, ये वाला निकाला है, MU लिमिटिंग निकाला है मैंने, तो MU लिमिटिंग निकाल लिया मैंने, तो मतलब कि ये इक्वल टू मैं ये भी तो रख सकता हूँ ना, मतलब ये जो मैंने अभी आपकी वैल्यू निकाल ली है ये इक्वल टू ये भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ना, ये इक्वल टू ये रखूंगा, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमारा ना डी वो हो जाएगा, अजम्पशन ठीक हो जाएगी कि डी की ठीक है गलत, मतलब वो तो मैं चलो अभी आपको क्वेश्चन ठीक वाले करा रहा हूँ कि डी हमारी पता चल जाएगा कि हमें डी जो अजम्पशन ली है वो सही है गलत है, तो उसके लिए मैं इसको इक्वल टू ये रखूंगा,
अब इक्वल टू ये रखने के लिए मैं लिख देता हूँ एम यू इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी एक्स एम डी माइनस 0.42 एक्स एम। ठीक है ना, ये वही है, ये थोड़ा सा ना मैंने ना इसे ना वो कर दिया थोड़ा, जैसे ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर अंदर, तो ये सब ऐसे निकल के ये चीज वैल्यू बन जाती है। आप सिंपली इसमें भी पुट करो ना तब भी सही वैल्यूज आएंगी। तो अब ये मैंने कर दिया। अगर आपको मैं बताऊं कि एक्स एम हमारा क्या आएगा 0.46 डी, अब ये क्यों आया आप पूछोगे, ये तो आपको मैंने इसमें से बताया ही था, ये भी आईएस कोड से आया, सब कुछ आईएस कोड से आता है। एक्स यू मैक्स बाय डी हमारा जो होता है ना, तो अगर एफ सी हमें देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो हमें एफ सी दिया हुआ है, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। अगर आप क्वेश्चन देखोगे हमारा एफ सी 415 दिया हुआ है ना, 415 पे हमारा देखो, 415 पे हमारा क्या है 0.48, 0. मैंने 46 लिख दिया, 0.48 है सॉरी 0.48 डी है ना, एक्स यू मैक्स बाई डी कितना है 0.48, तो वही मैंने वैल्यू लिख दी। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते, अगर हम एक्स एम बाई डी की वैल्यू 0.48 है तो डी उधर चला गया, तो एक्स एम कितना हो गया 0.48 डी, तो वही मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, तो डी हमें पता है 0.48 भी पता है, तो एक्स एम हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 0.48 डी। ठीक है ना, तो अगर हम इसको और वो करें सिंप्लीफाई करें तो हमारा एम यू पता कितना हो जाता है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, हमें ना ये बना लिया। ये हर एक का अलग भी आ सकता है, मैं आपको सीखता हूँ, क्योंकि एक्स एम बाई डी पे वैल्यू ये बनी है कि अगर तो हमारा वो 415 था इसलिए हमारा 0.48 बना, उसके मैंने सिंप्लीफाई करा तो ये बना। अगर ये यहाँ पे 250 होता तो 0.53 हो जाता है, यहाँ पे 0.53 होता तो उसके लिए सिंप्लीफाई करके कुछ और बनता। तो अब मैंने क्यों करा, क्योंकि इससे ना मुझे ना डी की पता चलेगा, अजम्पशन डी मिनिमम कितना चाहिए हमें, डी रिक्वायर्ड हमारा होता है ना कितना चाहिए, वो इससे पता चलेगा। अब हमने ये वैल्यू भी निकाल रखी है, ये निकाल लिया ना, तो अगर हम सब कुछ एफ सी के हमें दिया हुआ है 415, ठीक है, बी हमने जो ली थी ब्रेड तो वो हमने डी से तो निकाली थी, अगर हमारे डी करेक्ट है तो बी भी करेक्ट है ना, तो हम वो भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या, अब हमें डी स्क्वायर निकालना है, मतलब डी निकालना है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट एम यू बाय 0.138 एफ सी के और बी, ठीक है ना। हमारा एफ सी के मैंने आपको क्वेश्चन में आपको दिखाया था, एफ सी के हमारा क्या है 20, एफ सी के हमारा है 20, एफ सी के की वैल्यू मैं ये भी सबको दिखाता हूँ, ये 20 आ गया। बी हमने कितना लिया था, हमने अजम्पशन ली थी बी की 200 mm, एम यू हमारा आ गया 16.33 किलो न्यूटन मीटर है ना। तो अगर आप इसको सब सॉल्व करोगे ना तो हमारी डी रिक्वायर्ड पता कितनी आ जाती है 172 mm, ये मैंने सिर्फ वो लिया है राउंड ऑफ करके, तो 172 mm आ जाती है, मतलब कि हम इससे कम ले ही नहीं सकते डी, अगर हम इससे कम ली तो हमारा सारा कोलैप्स हो जाएगा और ये बहुत ही वीक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारी डी रिक्वायर्ड ये थी, मतलब कम से कम 172 mm तो लेनी चाहिए, लेकिन हमने अजम्पशंस कितने की करी थी, हमने अजम्पशन तो 300 mm की करी थी, मतलब कि हमारा जो डी एज्यूम था वो हमारा डी रिक्वायर्ड से ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि हम पहले ही हम सेफ्टी मेजर लेके चल रहे हैं, तो हमारी डी रिक्वायर्ड से ज्यादा हमारा डी एज्यूम्ड है, मतलब कि हमने सही करा सब कुछ, तो इसके लिए हमारी ओके होगी अजम्पशंस, अजम्पशंस आर ओके, ठीक है ना। ये था बीएम का रोल, तो यहां तक हमें ये सारा हमारा निकल गया जो कि कंक्रीट का था, जो हमारी आरसीसी में होती है ना रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर कंक्रीट, तो अब उसमें से हमारा ये तो निकल गया कंक्रीट के बारे की, हमारा डी एज्यूम ठीक है, हमने अजम्पशन सही करी है, अगर हमने डी अजम्पशन ठीक करा है तो हमारा बी भी सही है, तो मतलब कि स्ट्रक्चर आधा तो हमारा सही हो गया, डिजाइनिंग आधी तो हमारी पूरी होगी। और अब
अब इसके बाद क्या करना हमें, अब मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ। हमारा अगला स्टेप था नंबर ऑफ स्टील बार्स निकालने हमें। अब नंबर ऑफ स्टील बार्स निकालने के लिए मैंने आपको पहले बोला कि एरिया ऑफ टोटल स्टील निकालना है हमें, ठीक है ना। उसके बाद एरिया ऑफ वन स्टील बार निकालना है, तो उसके बाद नंबर ऑफ बार निकल जाए कैसे कि इन दोनों को डिवाइड करके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अब ये होगा कैसे। तो हम यहाँ पे फिफ्थ स्टेप लिख देते हैं, हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं एरिया ऑफ स्टील निकालना है हमें। एरिया ऑफ स्टील क्या होता है हमारा ए एस टी, ठीक है ना। हमारा एरिया ऑफ स्टील क्या होता है हमारा ए एस टी। अब ए एस टी कहाँ से निकलेगा वो भी आई एस कोड से निकलेगा, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हमारा ए एस टी निकलेगा देखो इस वाले से, इसमें हमारा ए एस टी आता नहीं, देखो ये रहा ए एस टी, ये रहा ए एस टी, हमारा इससे निकलेगा। देखो इसमें तो ए एस टी है ही नहीं ना कहीं, तो इससे निकलेगा हमारा ए एस टी। इसमें एफ सी किया है तो हमारा ये वाला डलेगा। एम यू हमने निकाला हुआ है, ये दोनों सेम ही एम यू, तो एम यू हमने निकाला हुआ है। ए एस टी हम यहाँ पे ये निकाल लेंगे, हमें एफ वाई भी पता है 415 है हमारा एफ वाई, एफ सी के भी पता है हमें 20 है, तो डी भी हमने जो जंक्शन करा था वो सही आ गई, तो 300 हमारी डी आ जाएगी। बस ए एस टी रह जाएगा तो ए एस टी निकल जाएगा। अब ए एस टी के लिए हम ये, मैं आपको सिंपली ये फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। एम यू हमारा आ गया 0.87, एफ वाई ए एस टी डी माइनस एफ वाई ए एस टी बाय एफ सी के बी। ये मैं डी अंदर ले आया ताकि हमारा थोड़ा डी से डी कट जाए तो थोड़ा एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, तो ये आ गया ना। अब इसमें ना आपको अगर अब आप देखोगे कि ए एस टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हमारी दो आंसर निकलेंगे ए एस टी के। ए एस टी के जो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू हुई ना, ये समझो अगर 100 आ गई हमारी, एक की हमारी 100 एम एम स्क्वायर आ गई और एक की 25 एम एम स्क्वायर आ गई, तो हमें 100 वाली देनी है ना कि 25। ये याद रखना हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, ये चीज़ कि हमेशा ज़्यादा वाली वैल्यू लेनी है। देखो स्क्वायर है तो दो वैल्यूज तो आएंगी आएंगी, ठीक है ना, इसको जो सेटिस्फाई करेगी। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, मैंने वैसे तो सॉल्व करके रखा हुआ है पर फिर भी मैं आपको एक बार वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखो एम यू की ना 16.33 × 10⁶ आ जाएगी, क्योंकि किलो न्यूटन था, तो किलो न्यूटन को अगर हम न्यूटन में करें तो ये इज इक्वल टू, इसमें भी हमने किलो न्यूटन को न्यूटन में करा था, मैं आपको वैल्यू बता दूँ, इसमें भी हमने किलो न्यूटन को न्यूटन में करा था × 10⁶। आपको बता दो वो मैंने वैसे लिख दिया किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन आपको न्यूटन में करना है, याद रखना न्यूटन में करना है आपको ये। तो इसके बाद में यहाँ पे भी न्यूटन हमने कर दिया, तो 0.87 एफ वाई हमें दिया हुआ है 415 क्वेश्चन में, ए एस टी हमें निकालना है, डी हमें हमने जो निकाला था वो सही था हमारी असम्पशन, एफ वाई हमें फिर 415, ए एस टी हमें निकालना है, एफ सी के 20, बी हमने जो असम्पशन करी थी उसके बदौलत हमारा बी भी तो निकला था, तो बी भी हमारा सही था, तो बी की वैल्यू हमारी क्या थी 200, बी हमारी 200, तो ये हमारा ये बन गया। अब मैं आपको सारी वैल्यू चेक करा देता हूँ, मैं सही डाली या नहीं डाली, तो वैल्यूज चेक कर रहा हूँ। बी 300 डाला है, बी 200 डाला है, 200 डाला है, एम 20 हमें डाला है, एफ सी के में 20 डाला है, 415 एफ सी एफ वाई हमारा 415 डाला है, ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब ए एस टी की दो वैल्यू आएंगी, लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए, तो मैंने तो एक ही लिख रखी है 159.2 mm², mm में चल रहे हैं, तो ये हमारा ए एस टी आ गया टोटल का, ए एस टी हमारा टोटल आया है। टोटल एरिया ऑफ स्टील हमें कितना जरूरत है, अगर हम डी देखो डी और बी निकाला है हमने, अगर हमने डी और बी निकाला है तो उसकी बदौलत ही हमें ये सब कुछ पता चल रहा है। अगर हमें देखो डी भी लग गया, बी भी पता, अब हमें एरिया ऑफ स्टील तो इसके मुताबिक ही पता चलेगा ना, बी और डी के मुताबिक। अगर डी और ज्यादा होता तो हमारा एरिया ऑफ स्टील और ज्यादा हो जाता, तो ऐसे हमारी ये चीजें करके होता है। तो हम सबसे पहले बी इसी से चल सकते थे कि हमारे डायमेंशन निकालनी है, तो हमने डायमेंशन निकाली, ए एस टी निकाल गया। अब क्या करना है, अब हमें ये ऐसे जैसे अगर हम ये है ना, अब हम नंबर ऑफ स्टील बार्स निकालना ना, अब आप डायमीटर को आपको ज़ूम करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ, जो हमारा स्टील बार है ना उसका आपको डायमीटर ज़ूम करना पड़ेगा। ज़ूम मैं आपको बताऊँ ना,
तो अब 8 टू 10 mm में हमेशा डायमीटर रखना, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 8 टू 10 mm में रखना हमेशा, क्योंकि RCC के लिए हमेशा इतना यूज होता है, कभी भी ना 10 से ज्यादा ना 8 से कम, मतलब एवरेज हमारा 8 टू 10 है, तो हमेशा आप अज्यूम 8 टू 10 mm करना। तो हमें टोटल निकाल दिया ना, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहा, एरिया ऑफ वन स्टील बार। अब हमें एरिया ऑफ वन स्टील बार निकालेंगे, तो एरिया ऑफ वन स्टील बार, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टील बार निकालने का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका क्या होता है, एन इंटू वन बाय फोर पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ये हमारा होता है, ये हमारा एरिया ऑफ स्टील बार निकालना है। वन का है ना, अगर वन का तो एन वन हो गया, अगर यहाँ टू होता तो टू हो जाता, थ्री होता तो थ्री होता। तो अगर मैं आपको बताऊँ, ये हमने यहाँ पे ना ये एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम करा कि हमारा डायमीटर ऑफ स्टील बार है 10 mm, ये एज्यूम करना है हमेशा, ये सारी चीजें एज्यूम्पशन पे चलेंगी, आप कभी भी आप डिजाइन ऐसे होएगा एज्यूम्पशन पे चलता है, और बाद में हमें पता चल जाती है कि एज्यूम्पशन सही है नहीं है, तो ऐसे हम करते हैं। तो एज्यूम्पशन हमेशा 10 mm लेनी चाहिए, मेरी मानो तो 10 ही लोग, कैलकुलेशन भी ईजी रहेगी और 10 कोई मना भी नहीं करेगा, कोई भी टीचर ये कैंसिल नहीं करेगा कि आपने 10 क्यों लिया, मैं नहीं मानता कि 10 नहीं ले सकते आप 8 लो। तो अब एरिया ऑफ स्टील बार अगर निकाला है तो 1 बाय 4 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, तो हमारा एरिया ऑफ एएसटी फॉर 1 बार हमारा क्या निकला, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ, फिर भी एक बार कर लेना, शायद मेरी गलती हो सकती है, एएसटी फॉर 1 बार ये था, ठीक है ना। अब ये दोनों चीजें हमारी सही निकल गई ना, तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, नंबर ऑफ बार्स, मतलब फिफ्थ का थर्ड था हमारा नंबर ऑफ बार्स, वो आपके लिए मैंने क्या बताया था कि डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ, ये लास्ट स्टेप है बस, इसके बाद हमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ है। अगर आपको एक, मैं चलो पहले ये करता हूँ फिर आपको करता हूँ, नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हमारा हो गया टोटल, ए एस टी टोटल आएगा हमेशा ऊपर याद रखना, और अपॉन ए एस टी वन बार, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2.02 आ जाएगा। अब पॉइंट में तो हम कभी ले नहीं सकते ना नंबर ऑफ स्टील बार, तो आप हमेशा ज़्यादा रखो उससे, 3 रखो, ये 3 हो गया अब, तो मतलब कि अगर आपको 2.02 हमें अजम्पशन से आ रहा है, मतलब हम थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी तो लेके चलेंगे ना, अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं तो आप 3 ले लो, कभी भी कम ना लो। अगर आपकी वैल्यू समझो यहाँ पे अगर 2.6 भी आए, कुछ भी आया हमारे 2.02 है, मतलब 2 से तो बहुत ही पास है, फिर भी आप हमेशा इनको 3 लो, क्योंकि नंबर हमेशा ज़्यादा लेना चाहिए, हमेशा 3 लो, क्योंकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। तो अब ये 3 आया, तो नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने आ गए, 3, नंबर ऑफ बार्स हमारी आ गई 3। ये यहाँ पे हमारा ना क्वेश्चन एंड होता है। अब आपको अगर लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, वैसे तो इसके बाद एक और स्टेप है, एरिया, मिनिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए, वो भी मैं आपको कराता हूँ। पहले हम ये लाइन लिख दें यहाँ पे, प्रोवाइड 3 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 10 mm डायमीटर, ठीक है ना, ये 10 mm डायमीटर, तो ये था हमारा आंसर। इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 10 mm ऐसे, यहाँ पे हमारा ये आंसर खत्म होता है। ये था हमारा डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बीम। अब अगर आपको मैं एक चीज बताऊँ, कभी कभी ना पूछ भी लेते हैं कि आपने जो डिजाइन करा है तो अब मिनिमम एरिया ऑफ स्टील और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील बता दीजिए, तो वो अगर मैं आपको बताऊँ कि वो रहने देते हैं, वो कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप इतना ही रखो, ये बेस्ट है आपके लिए। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर बीम, डिजाइन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम, यहीं तक आपसे पूछा जाता है, यही डिजाइन करना होता है वैसे तो, और मैक्सिमम मिनिमम तो ना थोड़ा एडवांस उसकी गेट वगैरह के लिए यूज हो जाता है, चलो वो अलग चीज थी। तो ये मैंने सिर्फ आपके, ये मेरा चैनल ही सिर्फ इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए है, तो ये हमने ऐसे निकाला था, मैं आपको दोबारा से एक बार सारा रिवाइज करा देता हूँ, हमने कैसे कैसे निकाला था डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बीम।
तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन आ सकता है IS 456-2000 पे डिपेंड होता है। रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन करने के लिए डायमेंशन निकालना होता है, फिर फैक्टर लोड, फैक्टर लोड क्या होता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड इंटू 1.15, ये हमारा होता है फैक्टर सेफ्टी ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सॉरी सेफ्टी इफेक्ट नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इफेक्टिव स्पैन लेंथ निकालती है हमारी थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हमारा बेंडिंग मोमेंट निकलते हैं, मैक्स होता है। फिर तुम्हारे नंबर ऑफ स्टील बार निकालने होते हैं, उसके लिए तीन स्टेप्स होते हैं, एरिया ऑफ टोटल सी निकाला, फिर एरिया ऑफ वन स्टील बार निकाला, उसको डिवाइड करा, तुम्हारे नंबर ऑफ बार आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो ये ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन हुआ था। तो हमने एल भी लिया, एल हमें दिया हुआ था, डी और बी हमने अजम्पशन करा था हमारा थंब रूल से, ये हमारा थंब रूल था, ये याद रख लेना हमेशा, थंब रूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आया आगे, ये थंब रूल था। तो हमारा फैक्टर लोड भी निकला, ये देखो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई करा तो फैक्टर लोड भी निकला, डेड लोड ऐसे निकलता है, सेल्फ वेट हमारा डेड लोड होता है। तो उसके बाद हमने क्या स्टेप करा था, उसके बाद हमने इफेक्टिव लेंथ निकाली थी, इफेक्टिव स्पैन लेंथ, उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला, बेंडिंग मोमेंट से हमने डी अपनी देखी कि अजम्पशंस ठीक है या नहीं है, तो हमने वो करा, वो करके क्या कि डी रिक्वायर्ड, हमेशा जो भी हम यहाँ पे डी निकालते हैं वो डी रिक्वायर्ड होता है, कि मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही ज्यादा होना चाहिए, तो हमारी जो अजम्पशन थी वो ज्यादा थी, तो हमारी अजम्पशंस ठीक हो गई थी। तो उसके बाद हमने निकालना था एरिया ऑफ स्टील निकालना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टील बार्स निकालने थे, तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला सारे IS कोर्स में दे रखे हैं, नेक्स्ट ईयर जी में, नेक्स्ट ईयर जी में ये सारे दिए हुए हैं फॉर्मूले, आप देख सकते हैं। तो उससे हमने टोटल का निकाला, फिर एरिया ऑफ वन स्टील बार मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको पुरानी वीडियोस में मैंने डाला हुआ है, और ये दोबारा मैंने लिख दिया कि ये हमारा वो होता है फॉर्मूला होता है ए स्टील बार निकालने का, एरिया ऑफ स्टील बार, तो ये ऐसे निकाले एरिया ऑफ वन स्टील बार, दोनों डिवाइड करा तो नंबर ऑफ बार्स आ गए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, ये लाइन लिखते हैं प्रोवाइड 3 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 10 mm डायमीटर, मतलब ये 3 बार्स है और इनका डायमीटर 10 mm है। तो ये ऐसे हम यहाँ पे अगर हम पूरी एक इमेज बनाएं तो 3 10 mm, बी हमारा कितना था, हमारा 200 mm, डी हमारा कितना आ गया 300 mm, ठीक है ना, ये हमारी वैल्यूज थी। तो ये चीज तीन चीजें निकालने के लिए हमने करा था। तो ये हमारा हो गया पूरा एक डिज़ाइन है रेक्टेंगुलर बीम। अगर आपके अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सिविल इनसाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आप और भी वीडियो इस टॉपिक्स पर देख सकें। थैंक यू।